सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो कंसेप्ट है हमारा होने वाला है ग्लोइंग इंस्टाग्राम के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो में जितने भी पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलेगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, पहले आप सभी को करना है क्या, पहले आप सभी को इंस्टाग्राम का जो बैकग्राउंड है पहले उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अभी तो गाइस करना मतलब वीडियो देख लो, फिर उसके बाद कर लेना। एंड उसके बाद जो है गाइस आप सभी को करना क्या है, ऐड फोटो में जाके आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड मैंने मॉडल का ना गाइस अपना बैकग्राउंड पहले से रिमूव कर रखा है। एंड जिसको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दो वीडियो की लिंक दे रखी है, आप दोनों में से कोई सी भी देख लो, आपको ईजिली आप उसमें से समझ जाओगे कि आप बैकग्राउंड को इरेज कैसे करते हैं। ओके, सो इतना होने के बाद क्या करता है, पहले मैं ऐसे अपने मॉडल को ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने मॉडल को ले लिया है एंड ऐसे मैं ऐड फोटो में जाके यहाँ से ऐड कर लूँगा। एंड उसके बाद मैं इसको फुल स्क्रीन करके एंड गाइस, तो आपका जो मतलब कि जो मॉडल होगा उसको ना आप कोशिश करना कि जो ऊपर वाले इंस्टाग्राम की जो लाइन है वाइट वाली, आपका जो मॉडल का हेड है वो उस पर टच हो, ठीक है? इतना रखना और इतना इतना ही साइज़ रखना मॉडल का, तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है? तो आप इतना ही रखना। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपसे करना क्या है, यहाँ से पहले हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम लेंगे लाइट का पीएनजी, जब क्योंकि गाइस जो हमारे साइड साइड में जो आप देख रहे होंगे ग्लोइंग जो मतलब कि लाइट आ रही है इंस्टाग्राम की, तो वो लाइट की इफेक्ट जो हमारे कपड़ों के ऊपर पड़ रही है हमें ऐसा दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वाइट कलर का जो लाइट का पीएनजी होता है मैं आप सभी को वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर लेना उसको भी, ठीक है? तो यहाँ से मैंने पीएनजी को ले लिया है। तो एंड उसके बाद क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड जो है हमें उसे रखना है स्क्रीन, ठीक है? स्क्रीन रख देते हैं। एंड उसके बाद जहाँ जहाँ पे वाइट वाइट लाइन है आप सभी को सिर्फ वहीं वहीं पे लगाना है। एंड देखोगे एकदम परफेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा पता भी नहीं लगेगा कि हमने कोई पीएनजी लगाया है ना। तो इस तरीके से आपको एक मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है गाइस? तो एक यहाँ पे लगा देने के बाद जो है यहाँ से फिर हम जाएंगे डुप्लीकेट कर लेंगे इसको, और डुप्लीकेट करने के बाद एक हम यहाँ पे लगा देंगे, और हम एक और डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे, और एक हम इस साइड में लगा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लगा दिया। एंड एक डुप्लीकेट और कर लेते हैं, क्योंकि यार हमारा जो ऊपर हेड है उसके पास भी वहाँ पे लगाना है, ठीक है? तो इस जगह से हम यहाँ लगा लेते हैं यहाँ। तो पहले मैं इसका थोड़ा साइज़ को छोटा करता हूँ, जूम करके लगाता हूँ, हाँ। तो इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ। एंड जो गाइस आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मतलब कि जो वाइट वाइट है, जो इसका वाइट लाइट लाइटिंग है जो, वो आपको दिख रहा होगा वो लाइन के बाहर जा रही है वह इंस्टाग्राम के। तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, हमें इरेजर टूल में जाके हमें हल्का हल्का उसको इरेज करना पड़ेगा। तो हम इरेजर में जाएंगे एंड यहाँ से हम हार्डनेस को कम करके इसको पहले मैं हार्डनेस को साइज़ को बढ़ा करके हार्डनेस को कम करके यहाँ से ऐसे करके इरेज करूँगा, ठीक है? यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर लेना आपको भी, अगर बाहर जाए तो इरेज कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से इतना हो गया, तो अभी हम यहाँ से कर देते हैं डन। सो यहाँ से डन कर देते हैं, यहाँ तक इतना तो काम हो चुका है हमारा, तो यहाँ से तो ज़्यादा कुछ। और गाइस एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक ये आला पीएनजी जो है एक यहाँ पे जो सर्कल है इसके अंदर इंस्टाग्राम में, एक इसमें भी लगा देते हैं, है ना? तो इसमें भी लगा लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ से आप करते हैं डन, ठीक है? तो हमारे जो पीएनजीज वगैरह थे वो तो लग चुके हैं, अब हमें एक लगाना है स्मोक का पीएनजी, ठीक है? तो स्मोक का पीएनजी है और जो कि हमें लगाना है अपने नीचे की तरफ। तो गाइस वहाँ पे स्मोक का पीएनजी लगा लेते हैं, हम यहाँ से ले लेते हैं स्मोक का पीएनजी, ठीक है? तो यहाँ से हम जाएंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड इसका भी हम स्क्रीन रख देंगे, ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे। एंड उसका जूम करके इसको थोड़ा बड़ा करके ऐसे इस तरीके से यहाँ लगा लेंगे, ठीक है? तो यहाँ से कर देते हैं डन। एंड गाइस उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारे पीएनजी वगैरह था मॉडल वॉडल सब कुछ तो लग चुका है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चलेंगे ब्यूटी वाले ऑप्शन में, ठीक है? ब्यूटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सभी को कहाँ पे जाना, आप सभी को पता ही होगा फेस फिक्स वाले ऑप्शन में से हम जो है हम फेस को जो स्मूथ वगैरह करते हैं हम फेस फिक्स से करते हैं। तो हमें क्या करना है, हम जाएंगे इस फेस फिक्स वाले ऑप्शन में एंड जो इसकी ओपेसिटी हम इसे कम रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि हम बाद में इसको मैनेज कर सकते हैं, तो हम इसको कम रखेंगे। एंड उसके बाद जो है साइज़ को अपने हिसाब से रख सकते हो आप, ठीक है? तो मैं ओपेसिटी पहले कम ही रखता हूँ एंड जो साइज़ है इसको भी हल्का सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है? इसको कर देने के बाद आप सभी को सिंपली जूम आउट करना है, ठीक है? एंड उसके बाद आप सभी को इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है? तो इस तरीके से पेंट करोगे तो वो स्मूथ अपने आप ही हो जाएगी। ओके गाइस, तो इतना तो हो चुका है एंड ऐसा भी एक दो बारी और हम कर लेते हैं थोड़ा मतलब कि अच्छे से। चुका जी इसका फेस का जो काम था हमारा यहाँ पे भी हो चुका है, तो यहाँ से हम कर देंगे डन, ठीक है? तो देखिएगा इसका फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड हमारी फोटो थोड़ी अच्छी लग रही है। तो हम जाएंगे टूल्स में एंड एडजस्ट में जाएंगे एंड अपने कपड़े के ऊपर थोड़ी सी ब्राइटनेस करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए कर देंगे हम ऐसे इन्वर्ट एंड उसके बाद यहाँ से हम
यहाँ से साइज़ को अपने हिसाब से सिलेक्ट करके, एंड उसके बाद एक हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लाइन इस जगह पे, ठीक है। तो मतलब यहाँ की लाइन मिले मेरे को इन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको करेंगे हम साइज़ पे छोटी, एंड उसके बाद हम यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पे देंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे, ओके। सो और कहीं देने की ज़रूरत है नहीं, मेरे को लगता नहीं है, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे तीन ही लाइन बहुत है। तो ऐसा हम डन करेंगे, एंड इसकी ओपेसिटी है इसको हम कर देंगे कम, ओके। सो इसकी ओपेसिटी को हमने कम कर दिया, एंड ऐसे कर देंगे डन। और फिर अगला स्टेप जो है, हमें जाना वापस से एडजस्ट में, एंड यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, एंड इसको हम साइज़ को थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा इतना भी नहीं गाइस, क्योंकि फिर मुझे जूम करके यार ज़्यादा ही छोटा हो जाता है जब हम पेंट करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें एक यहाँ पे फेस के ऊपर एक लाइन इस तरीके से करनी है, एंड उसके बाद ज़्यादा मेरे को मतलब फेस दिख नहीं रहा है मॉडल का, तो इसलिए हम एक ही लाइन बोलते हैं। तो उसको हमें ओपेसिटी कर देंगे कम, 5 तक रख देंगे, एंड यहाँ से कर देंगे डन, ठीक है। तो गाइस हमारा यहाँ तक पिक्सआर्ट का काम तो पूरा हो चुका है। अब हमारा काम रहता है लाइट रूम का, जो कि हमें कलर करेक्शन करनी है। तो यहाँ से हम फोटो को सिंपली सेव कर लेंगे, एंड चलेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो गाइस अभी तक यार आप सभी ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया ना यार, तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और यार चैनल पर नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यार आप सभी के लिए मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ, दिन में 2-3 कंटेंट डाल देता हूँ सभी के लिए। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। तो गाइस बस इतना ही, एंड बाकी तो आप सभी को पता ही होगा। और उसके बाद क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है ऑल में, एंड यहाँ से अपने जो फोटो का ऐड किया है आप सभी को उसको ले ले। तो गाइस हमारी फोटो ओपन हो चुकी है यहाँ पे। तो उसके बाद जो हमें क्या करना है, जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसका जो हाईलाइट है इसको थोड़ा हम कम ज़्यादा करके देखते हैं। तो गाइस ये ज़्यादा की तरफ ही रखते हैं इसको, एंड जो शेडो है इसको हम माइनस में रखेंगे, एंड जो वाइट है इसको हम प्लस में रखेंगे, ठीक है। एंड जो ब्लैक है इसको भी हम प्लस में ही रखते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया, एंड उसके बाद आएंगे नीचे वाले टूल में, एंड उसके बाद वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, एंड चलेंगे मिक्स में, एंड ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन को माइनस कर देंगे इतना, एंड सैचुरेशन को माइनस में कर दिया, एंड ल्यूमिनस को बढ़ा दिया, ठीक है। एंड उसका जाएंगे येलो कलर में, तो येलो कलर की ह्यू को माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो उसको माइनस में इतना रख लेते हैं, एंड उसके बाद जो है हम जाएंगे ब्लू कलर में, इसके ह्यू को जो है हमें माइनस की तरफ ही रखना है। एंड उसके बाद जो यहाँ से पिंक वाला ऑप्शन में जाएंगे, एंड उसके बाद जाएंगे इसको हम इसको ह्यू को जो है प्लस की तरफ माइनस की तरफ रखेंगे, एंड ऐसे कर देंगे डन, ओके। सो उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है उसको थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे, एंड जो विग्नेट है हम हल्का सा डालेंगे, क्योंकि यार फोटो में विग्नेट पहले से ही था। उसके बाद हम ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देंगे, एंड चलेंगे नीचे वाले टूल में, एंड जो फोटो की शार्पनेस है इसको हम बढ़ा देंगे, ताकि फोटो की जो क्वालिटी हो HD क्वालिटी में हो जाए, एंड इतना ही। एंड नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देंगे, कलर नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देंगे, एंड गाइस यहाँ तक हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।